अ कैपेसिटेंस सी चार्ज टू अ पोटेंशियल वी इज डिस्चार्ज बाई कनेक्टिंग इट्स प्लेट्स ट्रू अ रेजिस्टेंस आर फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन वन टाइम कॉन्स्टेंट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड डू दिस बाई कैलकुलेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी एंड ऑल्सो बाई फाइंडिंग द डिक्रीज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें एक कैपेसिटर दिया हुआ जिसकी कैपेसिटन सी है और उसे पहले हम लोग चार्ज uh, करते हैं टू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी ठीक है और चार्ज करने के बाद उसको हम लोग उस कैपेसिटर को हम लोग एक रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्ट कर देते हैं जिसके कारण वो डिस्चार्ज होने लगता है सो so फ्रेंड्स हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं ये कैपेसिटर सी है जिसको हम लोग पोटेंशियल वी तक चार्ज कर दिए हैं राइट और ये इसको हम लोग एक रेजिस्टर आर के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और इसमें सपोज कुछ आई करेंट एट एनी टाइम टी फ्लो कर रही है राइट तो फ्रेंड्स हमें क्या निकालना है कि फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन वन टाइम कांस्टेंट मतलब टी इक्वल टू जीरो से लेकर टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू वन टाइम कॉन्स्टेंट दैट इज आर सी टी इक्वल टू आर सी तक हमें फ़ाइंड करना है कि कितनी हीट जो है वो डिसिपेट हुई होगी राइट सपोज़ फ्रेंड एक डी एच टाइम पर हम लोग सॉरी डी टी टाइम पर हम लोग करेंट आई कंसिडर करते हैं तो यहाँ से जो उस समय जो स्मॉल हीट डेवलप्ड इन रजिस्टर आर डी एच जो होगी विल बी गिवन बाय आई स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू स्मॉल टाइम डी राइट डी टाइम पर कंसीडर किए हैं कि कुछ करंट आई जो है इस रजिस्टर आर से फ्लो कर रही है और उसके लिए जो स्मॉल हीट डेवलप होगा वो डी एच होगा राइट right? अब फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं डेट करंट एट एनी टाइम टी गिवन आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई टाओ राइट तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग जो डी एच आई स्क्वायर है इसके जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी एच फ्रॉम जीरो टू एच राइट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर इंटू टू दावर माइनस टू टी बाई टाओ राइट इस चीज का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू रेजिस्टेंस इन टू डी टी और टाइम कहाँ से कहाँ तक है ज़ीरो टू टाओ तक है राइट वन टाइम कॉन्स्टेंट तक का बात कर रहा है हम तो एच का इंटीग्रेशन एच माइनस जीरो ठीक है डी एच का इंटीग्रेशन एच माइनस जीरो उसके बाद आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं आर कॉन्सटेंट है इसे बाहर ले लेते हैं फ्रॉम जीरो टू टाओ की वैल्यू होती है आर सी राइट हम लोग जानते हैं टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दावर टू टी बाई आर सी इंटू डी टी राइट एच विल बीक्वल्स टू यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे आईनोट जो है वो वी स्क्वायर सॉरी आईनोट हम लोग जानते हैं वो वी बाई आर होता है राइट तो आई नॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इन टू आर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू आर सी ई टू दावर टू टी बाई आर सी डी टी राइट अब फ्रेंड्स यहाँ से आर और आर कैंसिल तो यहाँ से आ जाएगा एच विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू आर सी इन टू ई टू द पावर टू टी बाई आर सी डी टी राइट अब फ्रेंड्स हम लोग इस चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं तो फ्रेंड्स ये जो है ये ई टू पावर माइनस के एक्स का जैसा कुछ ग्राफ है वेयर के इक्वल्स टू टू बाई आर सी जहाँ पर जो है वेयर के इक्वल्स टू टू बाई आर सी है और फ्रेंड्स अगर यदि हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है माइनस वन बाई के जो है बाहर ले लिया जाता है इन और इनटू में ई टू दी पावर माइनस के एक्स हो जाता है राइट ये हम लोग मैथ्स uh, की मैथ्स uh, में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं राइट तो यहाँ से एच विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू माइनस वन बाई के मतलब uh, इसको रिवर्स लेना पड़ेगा तो माइनस आर सी बाई टू राइट टू बाई आर सी का रिवर्स आर सी बाई टू माइनस साइन के साथ और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दावर माइनस टू टी बाई आर सी एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू आर सी राइट अब फ्रेंड्स यहाँ से हैं एच विल बी इक्वल्स टू यहाँ से आर और आर कैंसिल हो जाएगा तो एच विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ सी वी स्क्वायर इन टू अब ये आर सी का वैल्यू इधर टी की जगह पुट करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस टू आर सी बाई आर सी ये आर सी आर सी कैंसिल हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर जीरो टी का वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे तो देअर फोर एच विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ़ सी वी स्क्वायर इं टू सॉरी इन टू वन बाई ई स्क्वायर माइनस ये वन हो जाएगा राइट अब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास हीट की वैल्यू आ जाएगी एच विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर Into 1 minus 1 by e square, right? So, friends, this is the answer of question number 76. Now, let's move to question number 77. So, friends, question number 77 is by evaluating integration of i square r dt, so that when cap a capacitor is charged by connecting it to a battery through a resistor, then the res energy developed as heat equals the energy stored in the capacitor. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन हमें ये करा है कि सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर गिवन है राइट right? जिसकी कैपेसिटेंस हम कुछ सी मान लेते हैं और एक बैटरी है जिसकी ई एम एफ हम लोग वी मान लेते हैं राइट right? और ये जो सर्किट है हमारा ये रेजिस्टेंस के साथ जिसकी रेजिस्टेंस हम लोग आर मान लेते हैं सपोज ये कनेक्टेड है राइट right? अब फ्रेंड्स हमें आगे क्वेश्चन में ये रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी राइट इस टर्म का यूज़ करते हुए हमें क्या प्रूफ करना है कि वेन अ कैपेसिटर इज चार्ज बाई कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी द एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इक्वल्स द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मतलब एनर्जी जो इस रेजिस्टेंस में डिसिपेट होगी दैट इज हीट डिसिपेटेड इन रजिस्टर हीट डिसिपेटेड इन रजिस्टर इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये हमें प्रूफ करना है राइट हीट डिसिपेटेड इन रजिस्टर इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये हमें प्रूफ करना है इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए ये वाली सर्किट में राइट right? तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं एनर्जी डिसिपेटेड इन कैपेसिटर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्या होगा यू इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर राइट ये हम लोग जानते हैं कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा और चार्ज अप होने के बाद इस पर टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर ये हम लोग ने फार्मूला पढ़ा है तो फ्रेंड्स एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी ये चार्ज होगा तो एट टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू इन्फिनिटी तक इसमें कितना हीट डेवलप्ड होगा वो हमें इस इक्वेशन के बराबर इक्वेट कर देना होगा राइट तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम अगले पेज में देखते हैं सो so फ्रेंड्स हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट इन टाइम डी टी इन अ स्मॉल टाइम डी टी लेट डी एच बी हीट डिसिपेटेड इन द रजिस्टर आर राइट स्मॉल टाइम डी टी में कुछ डी एच एनर्जी जो है हीट डी एच हीट एनर्जी जो है इस रजिस्टर में डिसिपेट हुई है एंड डैट हीट विल बी गिवन बाई आई स्क्वायर इन आर इन डी टी वेयर आई इज़ द करंट फ्लोइंग इन दैट टाइम इंटरवल डी टी राइट ये हम लोग को इतनी इक्वेशन से ये बात पता चली अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि करंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय आई नॉट इनटू ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाओ राइट वेयर आई नॉट इज इक्वल्स टू वी बाय आर एंड टाओ इज़ इक्वल्स टू आर सी टाओ इज़ द टाइम कांस्टेंट राइट तो करंट एट एनी टाइम टी जो है आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाओ हो जाएगी राइट right? ये वाली इक्वेशन को हम लोग इस आई स्क्वायर में पुट कर देते हैं तो यहाँ से डी एच विल बी इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस टू टी बाई टाओ इंटू आर इंटू डी टी हो जाएगी राइट right? अब फ्रेंड्स हम लोग डी एच को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ज़ीरो टू एच एंड आई नॉट स्क्वायर ई टू पावर माइनस टू टी बाई टाओ इंटू आर डी टी को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनी राइट क्योंकि जो है इन्फिनिटी पर इस पर ये जो कैपेसिटर है इसके पास एनर्जी आएगी हाफ सी वी स्क्वायर एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनीटी पर इस कैपेसिटर पर टोटल चार्ज हाफ सी वी स्क्वायर आएगी और एट टाइम टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू इन्फिनीटी तक इसमें कितना हीट डेवलप होगा वो हम लोग ले लिए ज़ीरो से इन्फिनिटी तक डी एच हीट डेवलप होगी फ्रॉम जीरो से एच तक और इस चीज़ का इंटीग्रेशन करेंगे तो फ्रेंड्स डी एच का इंटीग्रेशन एच एच फ्रॉम जीरो टू एच राइट आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसको बाहर कर लेते हैं आई नॉट स्क्वायर आर भी एक कॉन्स्टेंट है इसको भी इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया और यहाँ से ज़ीरो टू इन्फिनीटी ई टू दी पावर माइनस टू टी बाई टाओ इन टू डी टी राइट इतनी फ्रेंड्स हमें हमारे पास इक्वेशन आ गई अब फ्रेंड्स इस पर पुट करेंगे तो यहाँ पर एच माइनस जीरो आई नोट जो है वी बाई आर होता है तो आई नॉट की जगह वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर और इन टू आर है ये वाला आर से आर कैंसिल और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनीटी ई टू दी पावर माइनस टू टी बाई टाओ की वैल्यू होती है आर सी आर सी हम लोग यहाँ पर रख देते हैं इन टू डी टी राइट अब फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं एच विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर और फ्रेंड्स मैंने इसका इंटीग्रेशन आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कैसे करते हैं तो इट विल कम आउट आर माइनस आर सी बाई टू इंटू ई टू द पावर माइनस टू टी बाई आर सी फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनी राइट इसका इंटीग्रेशन फ्रेंड्स आप लोग पिछले वीडियो में देख सक पिछले सॉरी पिछले क्वेश्चन में डेट इज़ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स मैंने इसी वीडियो में डाला है उसमें आप लोग देख सकते हैं एच विल भी इक्वल्स टू आर से आर कैंसिल सी वी स्क्वायर बाई टू इंटू ये माइनस वन यहाँ पर है माइनस वन और इस पे वन बाई ई पे पावर इन्फिनी हो जाएगा इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में कर दिया आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी होगा इन्फिनिटी पुट करेंगे तो और माइनस ई टू दी पावर ज़ीरो होगा ज़ीरो पुट कर देंगे टी के जगह पर राइट तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी एच विल be इक्वल्स टू माइनस वन इंटू सी वी स्क्वायर बाई टू इन वन बाई ई टू दी पावर इन्फिनिटी माइनस वन बाई सॉरी माइनस वन होगा राइट ई e पे पावर जीरो समथिंग पे पावर जीरो वन हो जाता है तो एच विल बी इक्वल्स टू माइनस वन सी वी स्क्वायर बाई टू और वन बाई ई पे पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी राइट right? और माइनस वन ठीक है एच विल बी इक्वल्स टू यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे माइनस वन इंटू सी वी स्क्वायर बाई टू और वन बाई इन्फिनीटी की वैल्यू जीरो माइनस वन ठीक है और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा तो इट विल कम आउट हाफ सी वी स्क्वायर तो यही जो एच है वो टोटल हीट डिसिपेटेड इन द रजिस्टर आर है फ्रॉम टी इक्वल्स टू जीरो टू टी इक्वल टू इनफिनिटी एंड दिस हीट इज इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट टी इक्वल टू इन्फिनीटी सो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ से प्रूव कर दिया दे फोर हीट डिसिपेटेड इन रजिस्टर विल बी इक्वल्स टू एनर्जी इन द कैपेसिटर ये हमने प्रूव कर दिया सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेवनटी सेवन नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट इज अ पैरल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग रजिस्टिविटी रो एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के द कैपेसिटर इज चार्ज एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द चार्जिंग सोर्स द कैपेसिटर इज स्लोली डिस्चार्ज थ्रू द डाई इलेक्ट्रिक सो डैट द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल जोमेट्रिकल पैरामीटर्स लाइक द प्लेट एरिया और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स फाइंड दिस टाइम कॉन्स्टेंट तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें क्या करा है कि एक कैपेसीटर दिया हुआ है हमारे पास जिसकी ठीक है फ्रेंड्स और उसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है इसके अंदर फील्ड है इसके प्लेट्स के बीच के जो सेपरेशन है उसमें एक डाई मटे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाई फील्ड uh, है और इस जो ये जो डाई मटेरियल है इसका रेजिस्टिविटी हमें दिया हुआ है रेजिस्टिविटी ऑफ डाई मीडियम वो हमें गिवन है कितना रो वो हमारे पास रो गिवन है ठीक है और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमारे पास कितना गिवन है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वो हमारे पास के है राइट right? इतनी वैल्यू हमें गिवन है आगे कह रहा है कि द कैपेसिटर इज़ चार्ज एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द चार्जिंग सोर्स ये सपोज़ एक बैटरी से चार्ज चार्जअप हुआ सपोज एक बैटरी से चार्जअप हुआ ऐसे राइट right? uh, सपोज़ बैटरी की ई जो थी वो थी वी राइट इससे वो चार्जअप हुआ और जब फुली चार्ज हो गया तो उसके बाद इसको डिसकनेक्ट कर दिए राइट right? डिसकनेक्ट कर दिए इस चार्जिंग बैटरी से द कैपेसिटर इज स्लोली डिस्चार्ज थ्रू द डाई इलेक्ट्रिक और उसके बाद इसको स्लोली हम लोग डिस्चार्ज कर दिए थ्रू द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम राइट इसको हम लोग स्लोली इन दोनों के टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिए और ये इससे धीरे धीरे कैपेसिटर्स की वैल्यू इसकी घटने लगी सॉरी इसके अंदर जो चार्ज की वैल्यू थी जो इसके अंदर पोटेंशियल थी वो धीरे धीरे कम होने लगी तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है सो डेट द टाइम पॉन्सटेंट ऑफ द डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल जोमेट्रिकल पैरामीटर्स मतलब जो इसका जो टाइम कांस्टेंट आएगा टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्ज ये जो है ये इंडिपेंडेंट होगा किसका किसका प्लेट एरिया का और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स का और ये टाइम कांस्टेंट का कितना वैल्यू होगा वो भी हमें फाइंड करना है ठीक है फ्रेंड्स सपोज कर लेते हैं कि प्लेट एरिया जो है प्लेट एरिया वो ए है राइट right? और डिस्टेंस बिटवीन जो प्लेट्स डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स वो हमें डी गिवन है सॉरी डी हम लोग अज्यूम कर लिए राइट डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी हम लोग अज्यूम कर लिए तो फ्रेंड्स इस केस में कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कितना हो जाएगा एप्सेलन नॉट ए बाई डी ये हम लोग फार्मूला जानते हैं लेकिन इसमें डाई इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड है इसके अंदर तो उसका कांस्टेंट भी हमको आगे लेना पड़ेगा तो देआर फॉर कैपेसिटंस इक्वल्स टू के एप्सलन नॉट ए बाई डी राइट ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई अब फ्रेंड्स रजिस्टि रजिस्टेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कितना होगा रजिस्टेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक तो रजिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि रजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए वेयर रो इज़ द रजिस्टिविटी एल इज़ द लेंथ एंड ए इज़ द एरिया जिस इतने एरिया में फील्ड है ये हम लोग रजिस्टिविटी ऑफ अ वायर पढ़ते हैं हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डैट रजिस्टेंस इक्वल्स टू रजिस्टिविटी इन टू लेंथ ऑफ वायर बाई एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना है ए है इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं रेजिस्टिविटी इस डाई मीडियम की कितनी दी हुई है रो तो यहाँ पर रो ले लेंगे डिस्टेंस एल uh, जो है लेंथ है तो इसकी लंबाई कितनी है ये डाई मीडियम की डी जो प्लेट का डिस्टेंस है वहीं उसकी लंबाई हो गई डी और इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का एरिया कितना है जितना प्लेट का एरिया ये होगा उतना ही दूर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड है तो उसका एरिया जो है वो ए हो जाएगा तो रजिस्टेंस हमारे पास क्या आ गई रो डी बाई ए राइट अब फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है रजिस्टेंस इन टू कैपेसिटेंस तो रजिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमारे पास कितना आया हुआ है रो डी बाई ए राइट और कैपेसिटेंस कितना है के एप्सलन नॉट ए बाई डी यहाँ से के एप्सलन नॉट ए बाई डी राइट अब फ्रेंड्स यहाँ से कैंसिल करते हैं डी और डी कैंसिल हो गया ए और ए कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या आ गया रो के एप्सलन नॉट राइट सो so फ्रेंड्स हम लोग टाइम कॉन्स्टेंट में देख सकते हैं कि टाइम कॉन्स्टेंट में कोई भी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स लाइक प्लेट एरिया और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ये कुछ इसमें नहीं आया है राइट मतलब टाइम कॉन्स्टेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेट एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स राइट एंड दिस टाइम कॉन्स्टेंट गिवज द वैल्यू ऑफ रो के एप्सलन नॉट सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन इज फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर्स जीरो पॉइंट टू मिली सेकेंड आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज इन द गि फिगर सो फ्रेंड्स पहले हम लोग इसका सर्किट डाइग्राम बना लेते हैं सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन में हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये सिक्स वोल्ट का बैटरी है ये ट्वेंटी फाइव फोम का रजिस्टर है ये स्विच एस है ये टू माइक्रो फ्राड का कैपेसिटर है और ये टू माइक्रो फ्राड का कैपेसिटर है राइट तो हमें क्वेश्चन में करा है कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर जीरो पॉइंट टू मिली सेकेंड आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज सपोज स्विच एस को हम लोग एट टी इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू ज़ीरो हम लोग ने क्लोज कर दिया इस स्विच को तो फ्रेंड्स एट टीक्ल टू जीरो पॉइंट टू मिली सेकेंड्स हमारे पास इन दोनों कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर होगा वो हमें कैलकुलेट करना है एट टी इक्वल टू जीरो पॉइंट टू मिली सेकेंड्स के बाद राइट right? इन दोनों कैपेसिटर पर चार्ज कितना स्टोर होगा सो so फ्रेंड्स पहले हम लोग इन दोनों कैपेसिटर का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो देयरफॉर इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा आ, C की वैलेंट इज इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू राइट तो यहाँ से टू प्लस टू इट मीन्स फोर माइक्रो फ्राड राइट अब हम लोग इसका एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं फोर माइक्रो फ्राड के साथ ये ट्वेंटी फाइव ओम का रेजिस्टेंस ये यहाँ पर स्विच एस जो है ये हो गया एस और ये सिक्स वोल्ट का बैटरी और हमारे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर आ गया जिसकी सी इक्विवेलेंट है उसकी कैपेसिटेंस इट मीन्स फोर माइक्रो फराड राइट अब फ्रेंड्स हम लोग एक ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो रहा है इस स्थिति इस कंडीशन में ये चार्ज हो रहा है जब हम लोग स्विच को क्लोज कर दिए हैं तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डेट चार्ज एट एनी टाइम टी इज गिवन बाई क्यू नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाओ सॉरी 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 इंटू ई वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाओ राइट चार्ज एट एनी टाइम टी इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाओ वेयर क्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी वी एंड टाओ इज इक्वल्स टू आर सी टाइम कॉन्स्टेंट राइट ये फ्रेंड्स हम लोग ये फार्मूला जानते हैं तब इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से देखते हैं Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट क्यू नॉट होगा कैपेसिटेंस इन वोल्टेज ऑफ द बैटरी राइट तो कैपेसिटेंस इसका है फोर माइक्रो तो फोर इन टेन टू द पावर माइनस सिक्स इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डैट इज सिक्स वोल्ट इन टू वन माइनस ई टू माइनस टी टी हमारे पास गिवन था जीरो पॉइंट टू मिली सेकेंड यहाँ पर जीरो पॉइंट टू मिली सेकेंड इतने टाइम इंटरवल के बाद हमें निकालना है चार्ज तो जीरो पॉइंट टू मिली सेकेंड को इन टू टेन टू दावर माइनस थ्री सेकेंड्स राइट बाई टाउ टाव होता है ट्वेंटी फाइव इंटू फोर माइक्रो फराड का टेन टू दावर माइनस सिक्स राइट अब फ्रेंड्स हम लोग को ये वैल्यू सॉल्व करना है यहाँ से सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स और यहाँ से वन माइनस ई टू दावर माइनस जीरो पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री और यहाँ से देखेंगे ट्वेंटी फाइव फोर जो हंड्रेड इंटू टू पावर माइनस सिक्स राइट तो ये टेन टू पावर माइनस सिक्स हंड्रेड और ये टेन टू पावर माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा राइट right? इस और इसका एक पॉइंट भी यहाँ से कैंसिल होगा टू इंटू टेन टू पावर माइनस फोर इसको करेंगे तो यहाँ से इसका एक पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा मतलब टेन टू दावर माइनस थ्री हंड्रेड टेन टू माइनस सिक्स और इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा एक साथ आप लोग ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा एक्सपैंड करके तो यहाँ से Q इक्वल टू ट्वेंटी फोर इंटू टें टू द पावर माइनस सिक्स इंटू वन माइनस वन बाई ई स्क्वायर राइट फ्रेंड्स जब हम लोग इसको इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव इंटू टें टू द पावर माइनस सिक्स कुलम राइट इट मीन्स ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव माइक्रो कुलम राइट right? तो फ्रेंड्स ये चार्ज किस पर है इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर इतना चार्ज है और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर किससे बना है इन दोनों कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से बना है तो फ्रेंड्स अगर इस पर टोटल चार्ज इतना है और ये दोनों कैपेसिटेंस बराबर है तो दोनों पे आ, दिस वैल्यू बाई टू इतनी चार्ज ये दोनों कैपेसिटर पर होगी राइट right? तो चार्ज ऑन टू माइक्रोफराड ऑफ कैपेसिटर निकाल लेते हैं देअर चार्ज ऑन टू माइक्रोफराड कैपेसिटर एट टी इक्वल टू जीरो पॉइंट टू मिली सेकेंड्स इज गिवेन बाई गिवेन बाई ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाई टू जिसकी वैल्यू आएगी टेन पॉइंट थ्री सिक्स माइक्रोकुलम राइट सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर एटी सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एटी इज द स्विच एस शोन इन फिगर इज केप्ड क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज देन ओपेंड एट टी इक्वल टू जीरो फाइंड द करेंट इन द मिडिल टेन ओम रजिस्टर एट टी इक्वल टू वन मिली सेकेंड तो फ्रेंड्स पहले हम लोग इस क्वेश्चन का सर्किट डाइग्राम बना लेते हैं तो फ्रेंड्स हमारे पास ये कुछ ऐसा सर्किट डाइग्राम दिया हुआ है जिसमें यह ट्वेल्व वोल्ट का बैटरी एट टेन ओम का रजिस्टर है एटेन ओम का रजिस्टर है और ट्वेंटी फाइव ओम का सॉरी ट्वेंटी फाइव माइक्रो फ्राड का एक कपेसिटर है और यहाँ पर स्विच एस गिवन है राइट right? हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्विच एस इज़ केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज़ देन ओपन एट टी इक्वल टू ज़ीरो फ्रेंड्स पहले ये स्विच एस जो है वो क्लोज किए हुए थे हम लोग लॉन्ग टाइम तक राइट right? और उसे एट टी इक्वल टू जीरो पर हम लोग स्विच को ओपन कर दिए एंड इज़ फाइंड द करेंट इन द मिडिल टेन ओम रजिस्टर एट टी इक्वल टू वन मिली सेकेंड्स तो फ्रेंड्स जब हम लोग इस स्विच को दोबारा ओपन किए तो इस टेन ओम रजिस्टर से एट टी इक्वल टू वन मिली सेकेंड्स के बाद कितनी इस इस रजिस्टर से करंट फ्लो करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है राइट right? तो फ्रेंड्स पहले हम लोग देखते हैं कि जब ये स्विच एस क्लोज था लॉन्ग समय तक तब इस सर्किट में क्या 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 कुछ हो रहा था वो सब हम लोग ऑब्जर्व uh, करते हैं जब ये सर्किट लॉन्ग टाइम तक क्लोज होगा तो फ्रेंड्स इस ये जो कैपेसिटर है ये फुली चार्ज हो जाएगा इट मीन्स द सर्किट विल बी इन स्टेडी स्टेट ये जो कैपेसिटर है वो स्टेडी स्टेट में आ जाएगी राइट स्टेडी स्टेट कंडीशन में इस इस कैपेसिटर से कोई करंट या कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा जो भी करंट है वो इधर ऐसे ही फ्लो करेगा राइट right? तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में करंट आई नॉट इज इक्वल्स टू वी बाई आर तो वी कितना है ट्वेल्व बाई आर रेजिस्टेंस इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में हो जाएगा क्योंकि सिर्फ करंट इसी में फ्लो कर रहा है तो टेन प्लस टेन ट्वेंटी यहाँ से इट विल कम आउट थ्री बाई फाइव विच विल भी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट सिक्स एमपियर राइट अब फ्रेंड्स ये यहाँ से हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ट्वेंटी फाइव माइक्रोफ्राड कैपेसीटर विल भी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस टेन ओम रजिस्टर इन स्टडी स्टेट कंडीशन हम लोग ये लिख सकते हैं इन स्टडी स्टेट इन स्टडी स्टेट

यहाँ से क्यू नॉट सॉरी यहाँ से देखते फ्रेंड्स जब ये स्विच ओपन कर देंगे एट टी इक्वल टू जीरो पर तो ये वाला जो एलिमेंट है सर्किट का वो अब उसका सर्किट ब्रेक हो गया और जो क्लोज सर्किट में है वो ये दोनों एलिमेंट्स हैं क्लोज सर्किट में राइट और अब इस समय ये जो कैपेसिटर है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा तो करंट एट एनी टाइम टी इन द कैपेसिटर इज गिवन बाय आई नॉट इंटू ई ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाव राइट right? तो करंट हमें निकालना है क्वेश्चन uh, में हमें पूछ भी रहा था कि फाइंड द करंट इन द मिडिल टेन ओम रजिस्टर जब स्विच को ओपन कर दिए तो टी इक्वल टू वन मिली सेकेंड्स बाद राइट वन मिली सेकेंड्स बाद इस टेन ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा तो आई विल बी इक्वल्स टू आई नॉट आई नॉट की वैल्यू कितनी थी जीरो पॉइंट सिक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस टी टी कितना है वन मिली सेकेंड्स मतलब टेन टू दावर माइनस थ्री सेकेंड्स बाई टाओ टाओ होता है रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस है ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स और रेजिस्टेंस है टेन राइट right? इसको जब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा आई विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं टेन टू दावर माइनस फाइव और ऊपर जाएगा तो टें टेन का स्क्वायर हो जाएगा राइट right? तो यहाँ से टेन स्क्वायर राइट और फिर उसके बाद यहाँ पर ट्वेंटी फाइव तो अब इसको क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा आई विल भी इक्वल्स टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स बाई ई टू दी पावर फोर इसकी वैल्यू आएगी ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो नाइन एम्पियर और इसको अगर हम लोग मिली एम्पियर वगैरह में लिखेंगे तो टेन पॉइंट नाइन मिली एम्पियर कर सकते हैं या फिर इलेवन मिली एम्पियर अप्रोक्सीमेटली सो फ्रेंड्स दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एटी सो so फ्रेंड्स हम लोग ने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन से लेकर क्वेश्चन नंबर एटी तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है आगे की वीडियोस में हम लोग आगे की भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इफ़ यू डाउट गेट्स क्लियर बाय माई वीडियोज़ देन प्लीज़ प्लेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू